पंजाब समेत जलंधर में हो रही पिछले दो दिनों से लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात जलंधर के भगत सिंह कॉलोनी समेत अलग अलग नालों में बन गए हैं। ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों में घुसने लग गया, इस कारण लोगों को परेशानी का भारी सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन और इलाके के विधायक स्थिति का जायज़ा लेने पहुंच चुके हैं। फिलहाल ओवरफ्लो पानी को मिट्टी के बोरे डालकर रोका जा रहा है। देखें आप तस्वीरें किस तरीके से लोगों ने मिट्टी के बोरे डालकर बांध जो टूट चुके हैं उसका पानी जो है बांध का ओवरफ्लो होने से रोक रहे हैं। मौके पर जायज़ा लेने विधायक खुद पहुंचे हैं। जलंधर से सुखविंदर बग्गा की खास रिपोर्ट। मैं गुरमीत कौर प्रधान भगत सिंह कॉलोनी तो अज साढ़े कॉलोनी के गले नाले का बन टुटा इन्हों वेखन वास्ते साढ़े एम एल ए साहब आए हैं और लोगों इन्नी परेशानी हुई है कि बहुत ज़्यादा लोगों के घर पानी गया और साढ़े एम एल ए साहब ने विश्वास दवाया कि ये असं यह सारा काम डिक्लेयर करा क्लीयर करा देंगे और कारमिशन के अफसर भी सारे आए। हाँ जी सर, मैं दरविंदर सिंह एडवोकेट कॉलोनी का वासी पिछले 40 साल तो ये नहर तो कॉलोनी 19 पुरानी मेरे जिनी कि असी इतने पुराने हैं। ये कॉलोनी 1972 की बनी हुई है और नहर हैगी 1961 की। यह नहर बहुत पुरानी है पर फिर उस तो बाद नाला तुहाडे सामने है ओवरफ्लो होया है। अज दो तीन दिन तो बारिश हो रही है घरों होया अब एम एल साहब आए एम एल साहब ने जायजा लिता सारा तहसील साहब इरीगेशन आया से एक्सन साहब आए थे और होर डिपार्टमेंट तो कंसर्न आए थे उन्होंने सारा नहर साफ किया और सैंड बैग्स वगैरह रखा इन्हें कारण ब्लॉकेज हटी है और लोगों के घर पानी जा रहा है वो हटिया और लैट सी जो एम एल ए साहब कहते हैं इनू अंडरग्राउंड करेंगे इन द नैक्सट फ्यू डेयर्स वो उत्ते करेंगे वर्कआउट लैट्स। जो लास्ट 3 दिन का हैवी डायल्यूज होया है वो करके जी सा ड्रेन हैगी है जी भगत सिंह कॉलोनी के बिल्कुल नाम की लंघती विच की लंघती हैगी है वो पानी का जो स्तर है काफ़ी उच्चा हो गया। तो बड़ी खुशी की गल हैगी है कि जो लोकल रेजिडेंट्स है उस मेरे तो कौंसलर साहब की मदद के नाल कॉपरेशन की एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद के नाल उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल जरूर किया है पर अनफॉर्चुनेटली कि जरा इन्ना ज़्यादा रेनफॉल हुई हैगी है तो कितने ये जी रिटेनिंग वॉल से वो ब्रेक ऑन करके पानी थोड़ा जहा बाहर आया है। वी आर गेटिंग इट अनकलॉग एंड जिते जिते डाफ लगी हैगी है उन्होंने क्लीयर करा रहे हैं। सो सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल के हैगी है। सो विद इन एन आवर सो आई थिंक सो ये लेवल भी थले चले जाएगा एंड जरा ओवरऑल जलंधर के पानी का स्तर जरा वधिया है वो भी 2-3 घंटे अगर परमात्मा वालों मीह हो ना पाया तो सर प्रशासन अगों की इंतजाम हैगा जी यदा अगों 12 लाख रुपये का ऑलरेडी एसटीमेट कौंसल साहब ने पास कराया होया जो रिटेनिंग वॉल हैगी है प्लस जोड़ा नाल दी रोड हैगी है वो ऑलरेडी हाउस के पास है तो ये टेंडर ला के विद इन अ मंथ और सो असी जी बाकी रिटेनिंग वॉल हैगी कंप्लीट कर। सर महल निवासियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार भी हैगी है बीजेपी सरकार भी आ जाती है पर साड़ी समस्या का कोई हल नहीं किया जा रहा सर साल तो यही चीज़ चल रही है इलेक्शन वेले सारे आ जाते उस तो बाद सूँ कोई मिलता ही नहीं आके भाजी इलेक्शन तो हर साल आ जाती है
ਬਟ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ 7 to 8 ml ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦ ਇਨ 15 to 20 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡਾ ਵਿਦ ਇਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਐਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 88 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ 30 ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਤਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।